ये जो विषय परम ऋषियों के ऋषि ज्ञाताओं के ज्ञाता तत्वदर्शी और जगत के कन कन के ऋष्यों को जानने वाले बोध देने वाले प्रज्ञा देने वाले हमारे महा तत्ववेता परमपिता परमात्मा स्वरूप नारायण स्वरूप संत ने कहना ठीक नहीं है साक्षात नारायण परम सदगुरु श्री आशाराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम और जो अनंत विभूति विभूषित शक्तियाँ हैं संत हैं जिन्होंने अति विनम्रता से प्रज्ञा से बोध से किस प्रकार इस संस्कृति के विनाश के लिए उसका जो उत्थान का मार्ग उन्होंने अपना स्वभाव अपना स्वरूप अपनी राय अपने विचार प्रकट किए और कैसे परम आदरणीय नारायण स्वरूप सदगुरु स्वरूप श्री आसाराम जी के एक बार निमंत्रण देने मात्र से इन्होंने केवल कन्न भर पल भर विचारा सोचा कि ऐसा हो और सोचने मात्र से वो संत जो कहीं जाते ही नहीं अपने आश्रमों से निकलते ही नहीं हैं बड़े गर्व से भरे रहते हैं बड़े प्रेम से भरे रहते हैं बड़े मान मर्यादा के बिना जो आते नहीं है आना संभव नहीं है एक पल में इनका संदेश मिला और कैसे बाढ़ की तरह इनके पास आ गए एक दिन में एक दिन के अंदर निश्चय ही इनकी अपनी शक्ति है इनको किसी ने बुलाया नहीं है और ये आए नहीं है इनकी अपनी शक्ति ये दौड़े दौड़े आए इन्हें पता भी नहीं लगा कैसे आ गए पता भी नहीं लगा किसी को निश्चय ही ये महा जो रहस्य में कार्य है और किस प्रकार भारत की मैं भारत के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्रियों का अमेरिका के राष्ट्रपति इंग्लैंड कनेडा अनंत नत राष्ट्राध्यक्षों के विशेष प्रारूप के अंदर रहा और मैं लोगों के अंदर चिकित्सा के अंदर अनंत अनंत ऐसे ऐसे ऋषियों के ऋषियों के साथ भी रहा ओषो के साथ रहा जय कृष्ण मूर्ति के साथ रहा पुंजा बाबा पथिक बाबा हरहर हर स्वामी टाट वाले बाबा मग्गा बाबा पुंजा बाबा हरिहर हर स्वामी ऐसे नंकारी बाबा राधा स्वामी और संत आसाराम जी ये संत नहीं हैं इनसे मैंने बहुत वर्षों पहले एक ऐसा अनूठा नाम लिया जिसकी शक्ति से पचास करोड़ लोग दुख से मुक्त हो गए पचास एक दो नहीं एक दो लाख नहीं ऐसे ऐसे ये रहस्यों के ज्ञाता हैं ये हर रहस्यों को जानने वाले हैं और अगर रावण राम से ना लड़ता राम से ना झगड़ा करता तो रावण को इस दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता था कोई हरा नहीं सकता था और उन लोगों ने सरकारी लोगों ने राजनीतिक लोगों ने या धर्मांत लोगों ने या नास्तिक लोगों ने या असुरी व्रति वाले लोगों ने जब संत नारायण के स्वरूप श्री आसाराम जी से वो प्रारूप निभाया जो रावण से भी नहीं निभाया जा सकता था रावण ने तो साक्षात सामने आके किया लेकिन उन्होंने नए पत्थ्य में किस प्रकार वो जो दुष्प्रचार किया उससे ये सारा देश डगमगा गया और सारे देश की व्यवस्था बिगड़ गई केवल एक संत के साथ विरोध करने से संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार अगर ये वचन भी निकाल दे ये तो इनकी करुणा है अगर ये श्राप दे दें सोच लें विचार रहे कि ऐसा हो उसी पल में ऐसा हो जाएगा इनके सोचने मात्र से संत इनके पास आ गए सोचने मात्र से लेकिन ये करुणावान है जो पाश्चात्य संस्कृति है वो केवल भारत से डरती है और भारत के युवाओं से डरती है और भारत के संतों से डरती है उन्होंने सोचा कि पहले ये संत हैं ये तो कुछ करते नहीं है अकर्तापन इनका स्वभाव है केवल प्रभु पे छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते देखते रहते हैं इन्होंने सोचा कि ये जो संत हैं वो निकम्मे हैं कुछ नहीं करते भारत की युवा पीढ़ी को पहले समाप्त किया जाए और युवा आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत में 50 करोड़ लोग एच आई एड से पीड़ित हैं और पूरे वर्ल्ड में डेढ़ हजार करोड़ लोग एच आई से एड से पीड़ित हैं हर उन्हें हर पे जोस्टर है ऐसी ऐसी बीमारियां हैं गेडोरिया है शिफिलिश है ऐसे ऐसे रोग हैं आप इंटरनेट के अंदर कभी डाल के देखें वी ऐसी बीमारी का नाम आप डाल वी डी डिजीज डाल ले विनरल डिजीज डाल ले आप कांप जाएंगे ऐसे ऐसे रोग ये वैलेंटाइन डे मनाने से हो रहा है आप ये जानकर हैरान होंगे केवल वैलेंटाइन डे मनाने से हो रहा है और बच्चे किस तरह से उनकी दुर्दशा हो रही है अब हम सरकार से कभी ये कोई आदमी अरब में करता किसी बहन के साथ उसके हाथ पैर काट के वो फेंक देते कभी किसी सिखों के साथ करता उठा के फेंक देते क्या हिंदू जो कौम है वो इतनी निकम्मी है और वो भीख मांग रही है अपने देश में अपनी बेटियों के लिए बहनों के लिए भीख मांग रही है और सरकार सुन नहीं रही अब हम सरकार को बोलेंगे नहीं अब हम इसके लिए भीख नहीं मांगेंगे अपने देश में मैं आपको वादा करता हूं मेरे साथ सौ करोड़ लोग हैं इस समय अगर मैं एक वचन बोलूं वो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे अब हमने विचारा है सोचा ने सभी संतों ने दो दिन पहले विचारा कि हम संत आसाराम के साथ रहेंगे जैसा वो कहेंगे हम उनके लिए मरने के लिए तैयार है अभी तो ये प्रार्थना कर रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे थे दुर्योधन से भी इतनी जमीन दे दे नारायण होके प्रार्थना कर रहे थे कि इतने गांव दे दे पांच गांव दे दे इतनी जमीन दे दे वो कहते मैं एक भी नहीं दूंगा फिर एक पूत सवा लख तिस रावण घर दिया ना बाती। उसे कोई जलाने वाला नहीं था जो इन संतों की बात नहीं मानेगा वो कोई भी आदमी बचेगा नहीं वो नाश को प्राप्त होगा ये फिर ये मैं आपको उस प्रभु की कृपा से उद्घोष कर रहा हूं अभी एक एक प्रदेश से हम एक एक कैंपी को लेंगे जो संतों के सानिध्य में होगा वहां संत भी हो सकते हैं और मैं इनके चरणों की कसम खा के कहता हूं इनका आशीर्वाद लेके कहता हूं कि केवल आपको देश चलाने के लिए 500 सौ एम चाहिए ना तो 500 सौ एम नहीं 5000 हजार एम एक मिनट में दे सकते हैं अगर ये आगे दे सरकार आपके आगे पे चलेगी आपकी सरकार होगी आप चलाएंगे अभी हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं ये वैलेंटाइन डे बंद करें ये जो स्त्र व्यभिचार हो रहा है अत्याचार हो रहा है और जो करने वाले संतुने मारा जा रहा है अब रामदेव जी ने कितना एक युग का किया भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया उन्होंने और कैसे गला घोट दिया किस तरह से उनका और बापू आसाराम जी ने क्या, क्या क्या किया और क्या ये बच्चों की हत्या करेंगे क्या ये बलात्कार करेंगे क्या ये चोरी करेंगे क्या ये डाका मारेंगे किसी को शर्म भी नहीं आती सोचते हुए कि ये करेंगे जिसने अपना जीवन तप त्याग करके पूरे विश्व के लिए लगाया वो डाका मारने के लिए हैं भगवान राम कोई डाकू थे अब ये पूरा समाज वाल्मीकि समाज रवि का समाज संत रविदास का समाज सिख समाज हिंदू समाज बजरंग दल समाज और बाल ठाकरे के पूरे प्रारूप शिव सेना के नारायणी सेना के सारे संत बापू आसाराम जी के साथ हैं जब ये देश देंगे हम इस देश को बदल देंगे ये मेरी आपसे प्रार्थना है और जैसे आगे बापू जी आदेश करेंगे हम इनके लिए जो मेरा विचार भी नहीं था राजनीति का मेरी ऐसी कभी भाव नहीं थी कभी मैंने ऐसे सो, सोचा नहीं लेकिन देश की ये दुर्दशा देश की ये हालत और संत भीख मांग रहे हैं अपने देश में संत भीख मांग रहे हैं धर्म का नाश हो गया जब धर्म का नाश होता है तो राजनीतिक लोग ये ना समझे कि संत निकम्मे हैं ये कुछ नहीं करने वाले एक दिन के अंदर अगर बापू जी आदेश देंगे तो सरकार को हम बदल देंगे ये मैं इनके चरणों की कसम खा के ये वादा करता हूँ